लड़ाकू विमानों ने एक लंबा सफर तय किया है। 1903 में निडर राइट ब्रदर्स ने पहली बार हवाई जहाज को हवा में उड़ाकर एक नया कारनामा कर दिखाया, और तब से लेकर अब तक इंजीनियरों ने कई विमान बनाए हैं जो विल्बर और ऑरविले राइट की तुलना में एडवांस हैं, साथ ही तेजी से उड़ सकते हैं, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम आपको सबसे तेज सैन्य विमानों में से सबसे बड़े लड़ाकू विमानों के बारे में कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। F-35 लाइटनिंग सेकेंड, ये विमान अमेरिकी सेना का नेक्स्ट जनरेशन का लड़ाकू जेट है, जो कि अभी तक डेवलप किए गए सभी लड़ाकू विमानों में से सबसे एडवांस है। ये एयरक्राफ्ट वन सीटर है जिसमें एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर लगा हुआ है। इसकी स्पीड साउंड की गति से 1.6 गुना ज्यादा है, यानी कि ये 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना में इस विमान ने अपनी खास पहचान बनाई है। Su-27 फ्लैंकर, सुखोल Su-27 डबल इंजन वाला एक लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण USSR यानी सोवियत यूनियन ने किया था। ये विमान बाकी लड़ाकू विमानों को एडवांस बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विमान ने मई 1977 में अपनी पहली उड़ान भरी। सुखोल Su-27 को 1985 में सोवियत वायुसेना में शामिल किया गया। विमान 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और ये सुपरसोनिक गति की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जो कि ध्वनि की गति का 2.35 गुना है। Su-27 को अपने समय के सबसे सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक होने का गौरव प्राप्त है, और अभी भी ये रूस, बेलारूस और यूक्रेन जैसे देशों की सेना की शोभा बढ़ा रहा है। F-111 ऑर्ड वर्क, 1960 के दशक में जनरल डायनामिक्स ने F-111 ऑर्ड वर्क का निर्माण किया। 1967 में दो व्यक्तियों की क्षमता वाले इस एयरक्राफ्ट ने पहली बार US वायुसेना में अपनी जगह बनाई। इसका इस्तेमाल बमबारी अभियानों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करने के लिए किया जाता था। F-111 2655 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम था, जो कि ध्वनि की गति की 2.5 गुना है। वियतनाम युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया गया, लेकिन 1998 में अमेरिकी वायुसेना ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया। F-15 ईगल, मैकडोनल्ड डगलस ने 1967 में इस डबल इंजन वाले लड़ाकू विमान को बनाया। F-15 ईगल किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम था। इस विमान को हर तरह के मौसम में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया था। F-15 ने पहली बार जुलाई 1972 में उड़ान भरी और 1976 में आधिकारिक तौर पर अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया। F-15 2655 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस विमान को साल 2025 तक अमेरिकी वायुसेना में शामिल करने की उम्मीद है। अभी ये विमान जापान, इसराइल और सऊदी अरब समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। MiG-31 फॉक्सहाउंड, मिकोयन MiG-31 फॉक्सहाउंड एक बड़ा डबल इंजन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, जो हाई स्पीड पर विदेशी विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। सितंबर 1975 में दो सीटर वाले इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी और 1982 में सोवियत सेना में शामिल किया गया। ये एयरक्राफ्ट 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और कम ऊंचाई पर भी सुपरसोनिक उड़ान भरने में सक्षम था। रूस और कजाकिस्तान की वायुसेना में अभी भी MiG-31 फॉक्सहाउंड अपनी सेवाएं देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।